माफ करिएगा, तीसरा शाही स्नान है। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, हरिद्वार की ये तस्वीरें हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे तीसरे शाही स्नान में एक बड़ी संख्या में साधु संत यहाँ पर पहुँचे हैं, श्रद्धालु इस स्नान में शामिल होने के लिए पहुँचे हैं। तो ये तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। आपको बता दें, कल की अगर बात की जाए तो 35 लाख लोग यहाँ पर पहुँचे थे, एक बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। तमाम तैयारियाँ प्रशासन की तरफ से की गई हैं और यहाँ पर मेला क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले सभी के नेगेटिव टेस्ट भी लिए जा रहे हैं, कोरोना नेगेटिव टेस्ट सभी के लिए जा रहे हैं, उसके बाद ही सभी को यहां पर प्रवेश के लिए इजाज़त दी जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, आज आशंका जताई गई है कि लगभग 20 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आज जब पहुँचेंगे। तो ये तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। आपको बता दें, साफ तौर पर आप देख सकते हैं कैसे तीसरे शाही स्नान में एक बड़ी संख्या में साधु संत यहाँ पर पहुँचे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही भी इस दौरान देखने को मिल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है, मास्क यहाँ पर लोगों ने नहीं पहना। तो तस्वीरें हरिद्वार की हैं, कुंभ की ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें, इसके लिए प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की गई हैं, पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी गई थी और यहां पर आने के लिए सभी से कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आने के लिए कहा गया था और ये नेगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए और इसी के बाद सभी को यहां पर एंट्री दी जा रही है। मास्क अनिवार्य किया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, यहाँ पर एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आशंका ये भी है कि आज के दिन, तीसरे शाही स्नान के दिन, 20 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु आज स्नान करने के लिए यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं, कहीं ना कहीं भयावह तस्वीरें भी हैं ये। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही साफ तौर पर प्रशासन की तरफ से यहाँ पर देखने को मिल रही है। Samriddhi, your prosperity, grand life.